भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बेळगावी मत्तु चिकौड़ी या सोदरा सोदरियारिगे नन्ना नमस्कार गळु। ताई भुवनेश्वरी और मां सौदत्ती येलम्मा को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं कर्नाटका के सभी वोटर्स का अभिनंदन करता हूं। कर्नाटका में मैं जहां जहां गया हूं, मुझे एक ही स्वर सुनाई देता है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, हम सभी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग, हम सभी भगवान बसवेश्वरा का अनुसरण करने वाले लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज ने शक्तिशाली भारत बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। भगवान बसवेश्वरा ने अनुभव मंडपम से डेमोक्रेसी का रास्ता बताया। 10 साल में भारत शक्तिशाली हुआ। आप मुझे बताइए, भारत का शक्तिशाली होना आप गर्व करते हैं? आपको गर्व होता है? भारत की पहचान मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में होने लगी है, ये गर्व होने वाली बात है कि नहीं है? गर्व करने वाली बात है कि नहीं है? भारत से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, और जब 25 करोड़ लोग 10 साल के भीतर भीतर गरीबी से बाहर निकलते हैं तो हर हिंदुस्तानी का आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? आपका आत्मविश्वास बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और इसलिए देश कह रहा है, गरीबों के कल्याण के लिए फिर एक बार। साथियों, भारत जब आगे बढ़ता है, भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है। लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। अब आपको याद होगा, कांग्रेस ने HAL को लेकर कितना झूठ फैलाया, कितना झूठ फैलाया। कांग्रेस ने कोरोना काल को याद कीजिए, कोरोना काल में भारत की जो मेड इन इंडिया वैक्सीन थी, कोरोना की जो वैक्सीन थी, उस पर भी विरोध पैदा कर दिया, उसका भी यहां तक कह दिया ये तो भाजपा वैक्सीन है। भारत की हर सफलता पर उनको शर्म आने लगी है, और जैसे उनको भारत के वैक्सीन पे भरोसा नहीं, लोगों को उलझन में डालने की कोशिश की, उन्होंने ईवीएम के बहाने पूरी दुनिया में भारत की डेमोक्रेसी को बदनाम करने की कोशिश की। अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने
ये कांग्रेस वालों को और उनकी पूरी टोली को ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है। सवाल ये है, आखिर कांग्रेस देश का नुकसान होने वाली बातों पर झूठ फैला करके लोगों में विश्वास तोड़ने का काम किसके इशारे पर कर रही है? कांग्रेस के नेताओं ने ईवीएम पर तो झूठ बोला है और देश का हर नागरिक कहता है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर झूठ बोल करके आपने देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने का षड्यंत्र किया है, आपको देश की माफी मांगनी चाहिए। साथियों, पिछले 10 वर्षों में बीजेपी एनडीए सरकार ने देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग के लिए बहुत काम किया है। इसका एक बड़ा उदाहरण है भारतीय न्याय संहिता। ये कांग्रेस वाले मानसिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी में ही जी रहे थे, वो इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। वो तिरंगा झंडा फहरा करके तो आजादी की बात करते थे, लेकिन हर कानून व्यवस्था में मन से अंग्रेजी की गुलामी को जी रहे थे। गुलामी के कालखंड से प्रेरित इतना पुराना आजादी के पहले का कानून, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हटाना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको हटा दिया। अब भारत में न्याय संहिता में दंड को नहीं बल्कि नागरिकों को न्याय मिलने को प्राथमिकता दी गई है। इसमें आतंकवाद से जुड़े कानूनों को भी और सख्त किया गया है, दूसरों पर अत्याचार से जुड़े कानूनों को कड़ा बनाया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर नया प्रावधान किए गए हैं। 1 जुलाई से लागू होने के बाद ये संहिता देश के हर नागरिक को बहुत मदद करने वाली है। लेकिन साथियों, जब से कर्नाटका में कांग्रेस सरकार आई है तब से पूरे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है कि नहीं? खराब है कि नहीं? हालत बद से बदतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां बेलगावी में एक आदिवासी बहन के साथ जो कुछ हुआ, चिक्कोड़ी में जैन मुनि महाराज साहब के साथ जो हुआ, वो शर्मसार करने वाला है कि नहीं है? पीड़ा करने वाला है कि नहीं है? कर्नाटक की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने वाला है कि नहीं है? और देखिए उनकी हिम्मत। हुबली में हमारी एक बेटी के साथ जो कॉलेज कैंपस में हुआ, उसने तो पूरे देश में भूचाल ला दिया है। उस बेटी का परिवार एक्शन की मांग करता रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण का दबाव उसी को प्राथमिकता देती है। उनके लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कीमत नहीं है, उनको तो अपने वोट बैंक की चिंता है। बेंगलुरु के कैफे में बम धमाका हुआ तब भी
कांग्रेस ने शुरुआत में इसे लेकर गंभीरता ही नहीं, यहां तक कह दिया ये तो गैस का सिलेंडर फटा था। देश की जनता के आंख में क्यों धूल झोंक रहे हो कांग्रेस के लोग? अगर तुमसे नहीं बनता है तो छोड़कर ये घर चले जाओ। लेकिन भाजपा सरकार ने देश और समाज विरोधी पीएफआई को बंद किया है, उससे बड़े बड़े खैरखा जेलों में सड़ रहे हैं। भाइयों, साथियों, कांग्रेस ने हमारे इतिहास को, हमारी आजादी की लड़ाई को भी वोट बैंक के नजरिए से, तुष्टीकरण के नजरिए से ही लिखवाया है। और आज भी ये कांग्रेस के शहजादे उसी पाप को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। जरा शहजादे को पता है क्या मैसूरु राजघराने का योगदान? उनको याद नहीं रहा? मैसूरु राजघराने को आज पूरा देश गर्व के साथ देखता है कि नहीं देखता है? साथियों, कांग्रेस के शहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को तो बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है। और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया? कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की? इनको
वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई कल्पना कर सकता है क्या बनारस के राजा के बिना बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संभव हो सकती थी? क्या महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराकर हमारे आस्था स्थलों की रक्षा की या नहीं की? मैं गुजरात से आता हूं, मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट में पड़ता है। ये बड़ौदा महाराजा थे जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिभा को पहचाना था, उनको बड़ौदा बुलाया, उनकी शक्ति को पहचाना और बाबा साहब आम्बेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम गायकवाड़ महाराजा ने किया था। ये कांग्रेस के शाहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता अब देश के सामने खुलकर के सामने आ रही है और यही मानसिकता कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी झलकती है। साथियों, आज पूरा देश समझ गया है कि जहां कांग्रेस आई वहां से विकास का पलायन गया, विकास का पलायन शुरू हो जाता है। कर्नाटका में भी यही हो रहा है। जब बीजेपी की सरकार यहां थी तो भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा कर्नाटका में आता था, लेकिन अब यहां स्थितियां बदल रही हैं। जब से कांग्रेस सरकार यहां आई है तब से रोड के, इरिगेशन के सारे काम बंद पड़ गए हैं। यहां बिजली के कट लगने से हर कोई परेशान है, उद्योग परेशान है, लोग परेशान है, और इसलिए लोग कहते हैं जहां कांग्रेस आई वहां बर्बादी लाई। साथियों, हमारा देश छोटे किसानों का देश है। कृषि क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम छोटे किसानों की संगठन शक्ति को एकजुट करें। इसलिए बीजेपी एनडीए सरकार एफपीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव तीनों पर बल दे रहा है। बीजेपी सरकार में देशभर में 8000 नए किसान उत्पादक संघ बने हैं, एफपीओ बने हैं। ये एफपीओ इनपुट कॉस्ट कम करने से लेकर किसानों को मार्केट रेट दिलाने तक में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई है। इन्हें केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। केंद्र सरकार पैक्स को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम कर रही है। सरकार 60,000 से ज्यादा पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का काम भी पूरा करने में जुटी है। एनडीए सरकार
शुगर कोऑपरेटिव्स को भी बढ़ावा दे रही है। बीजेपी सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाकर गन्ना किसानों की बहुत बड़ी मुश्किल आसान की है। इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से गन्ना किसानों को 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनको कमाई हुई है। चीनी मिलों पर बकाया होने की उनकी समस्या भी अब दूर हो रही है। लेकिन साथियों, यहां कांग्रेस ने फार्मर्स के साथ जो विश्वासघात किया है वो तो बहुत बड़ा पाप है। यहां जब बीजेपी की सरकार थी तो फार्मर्स के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये जमा होते थे। कांग्रेस की सरकार ने आते ही 4,000 रुपया देना बंद कर दिया। अब वोट मिल गया, अब किसान जाने, किसान का काम जाने, उनको परवाह ही नहीं है। अब मोदी जो 6,000 रुपया भेजता है वही किसान को जाता है, यहां के पैसे उन्होंने काट लिए। और पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। ये कर्नाटका वालों ने जो पाप किया है उसकी सजा आप इस चुनाव में दीजिए, और मोदी आने वाले वर्षों में भी आपको गारंटी देता है जो दिल्ली से भेजा जाता है वो चालू रहेगा। साथियों, आपका ये सेवक गांव, किसान, नौजवान, नारी शक्ति को सशक्त करके आपकी संपत्ति बढ़ाने में जुटा है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के शहजादे आजकल घोषणा कर रहे हैं और भाई बहन दोनों कर रहे हैं कि वो चुनाव अगर जीत गए तो पूरे देश का एक्सरे करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी का एक्सरे किया जाएगा, बैंक के लॉकर का एक्सरे किया जाएगा, आपकी जमीन कितनी है एक्सरे होगा, आपके पास गाड़ी कितनी है, स्कूटर कितने हैं, साइकिल कितनी है, इसका एक्सरे होगा, महिलाओं के पास स्त्री धन कितना है, गहने कितने हैं, सोना कितना है, मंगलसूत्र कहां पड़ा है, इसका एक्सरे किया जाएगा। यानी ये लोग हर घर में छापा मारकर आपकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। आपकी संपत्ति पर कब्जा करने के बाद कांग्रेस इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन की बातें कर रही है, अपनी पसंदीदा वोट बैंक को देना चाहती है। क्या आप अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति को लूटने देंगे? आपने बचाया हुआ सोना चांदी लूटने देंगे? क्या आपके मंगलसूत्र पर किसी को हाथ लगाने देंगे? कोई पंजा आपकी संपत्ति लूट सकता है क्या? मैं कांग्रेस को अलर्ट करना चाहता हूं, ये मनसूबे छोड़ दीजिए जब तक मोदी जिंदा है। ये आपके मनसूबे में पार नहीं होने दूंगा, ये आपके खेल। साथियों, इस चुनाव में कांग्रेस ने इनहेरिटेंस टैक्स का एक नया फॉर्मूला निकाला। ये बड़ा भयंकर है, आपकी नींद उड़ जाएगी।
उन्होंने क्या कहा है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो ऐसा कानून लाएंगे कि आप जो अपने बच्चों के लिए बचाते हैं, आपने मेहनत करके कमाया, खुद ने खर्चा नहीं की, मौज नहीं किया, थोड़ा 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 पैसा जमा किया और मन में रहता है कि मरने के बाद बच्चों को कुछ दे करके जाऊं, छोटा सा घर दे करके जाऊं, कुछ पैसे दे करके जाऊं, ताकि बच्चों को मेरे मरने के बाद किसी के पास जाना न पड़े। हर माँ बाप ऐसा चाहता है कि नहीं चाहता है? हर माँ बाप अपने बच्चों को कुछ न कुछ देना चाहता है कि नहीं देना चाहता? और इसलिए हर माँ बाप कुछ बचत करके रखता है कि नहीं रखता है? अब ये कांग्रेस वाले कहते हैं आपने जो बचाया है, अगर आप अपने बच्चों को अब नहीं दे सकते हैं, आपने जो बचाया है अगर बच्चों को देना है तो 55% 55% उस पर टैक्स लेकर के सरकार वो छीन लेगी। मतलब दो मकान है तो एक कांग्रेस की सरकार की जेब में और दूसरे से अपने दो बच्चों को बांट के दो। अपनी वोट बैंक को बांटने के लिए ये आपकी संपत्ति पर डाका डालना चाहते हैं, क्योंकि उनकी उनको ने घोषणा की है कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार किसका है, उनकी वोट बैंक का है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी कह चुके हैं। मैं कर्नाटका के सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से देशवासियों को पूछ रहा हूं, क्या आप ऐसा होने देंगे, ऐसा कानून लाने वालों को आने देंगे, ऐसी सोच वाली कांग्रेस को सजा देंगे, इस चुनाव में हर बूथ में उनको चुन कुन कर साफ करेंगे? भाइयों और बहनों, बीजेपी चित्तूर रानी चेन्नम्मा से प्रेरणा लेती है, इसलिए एनडीए सरकार ने सेना के हर मोर्चों को महिलाओं के लिए खोल दिए हैं। बेलगांव में तो संगोली रायन्ना सैनिक स्कूल भी बना है, हमारी बेटियां भी अब सैनिक स्कूलों में पढ़ पा रही है। बीजेपी सरकार की नीतियों की वजह से सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में महिलाओं की संख्या अब दोगुनी से भी अधिक हो चुकी है। साथियों, आपका सपना, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आपका सपना ये मेरा संकल्प है और आपका सपना साकार करने के लिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम, 24/7 24/7 फॉर 2047, ये मोदी का वादा है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव में दिल्ली में मुझे कर्नाटका से मजबूत समर्थन की जरूरत है। मैं आज आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूं, मैं आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और इसलिए इस चुनाव में बेलगांव से हमारे बहुत पुराने साथी जगदीश शेट्टर जी को और चिकोड़ी से हमारे अन्ना साहेब शंकर जोले जी को ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए। और आप जब इनके लिए कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना,
जब आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे तो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो मोदी को मजबूत बनाएंगे, मोदी को मजबूत बनाएंगे, मोदी को मजबूत बनाने के लिए घर घर जाएंगे, मोदी को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, सुबह 10 बजे के पहले ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर। आपसे मेरा आग्रह है, हमें सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ने हैं और हर पोलिंग बूथ जीतना है। जीतोगे? हर पोलिंग बूथ जीतोगे? अच्छा, मेरा एक काम करोगे, जरा हाथ ऊपर करके बताओ तो बताओ। मेरा एक काम करोगे, ये मेरा पर्सनल काम है, करेंगे? ये चुनाव वाला काम नहीं है, करेंगे? पक्का करेंगे? एक काम करना, घर घर जाइएगा और हर घर में जाके कहिएगा कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है, मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे। जब मेरा नमस्कार आप पहुंचाएंगे ना, तो हर परिवार मुझे आशीर्वाद देगा और हर परिवार का आशीर्वाद मेरे लिए एक नई ऊर्जा बन जाता है। और जब नई ऊर्जा बन जाता है तो मैं पूरी शक्ति के साथ आपके सपनों को साकार करने के लिए अपनी जिंदगी खपा देता हूं, और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद मोदी जी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अब की बार भारत माता की। मैं आमंत्रित करती हूँ गीता सुतार जी से कि वह आभार प्रदर्शन करें।